मार्किट स्ट्रक्चर इन लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री वन जब हम मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे क्या है देर आर न्यूमरस लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स वो न्यूमरस लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स मेरे पास क्या हैं कि देर आर स्मॉल रूमिनेंट्स जिस जैसे कि शीप एंड वोट है आपके पास लार्ज रूमिनेंट्स हैं जिसमें हम मोस्टली आप बीफ एनिमल्स इन्स्ट करते हो देन मिल्क दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर बींग प्रोड्यूस्ड अंडर द लाइफ स्टॉक सेक्टर जब आप लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स की बात करते हो दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स अब अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा लिमिट करके बात करूं अबाउट मिल्क प्रोड्यूसर्स तो जब आप मिल्क प्रोड्यूसर्स की बात करोगे मिल्क प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट हाँ जी वो होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या है दैट इज द मिल्क और प्रोड्यूसर्स आर नॉट इन अपोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस या जो भी आपके पास एक सिंगल मिल्क प्रोड्यूसर है दैट इज नॉट इन पोजिशन टू इन्फ्लुएंस दी प्राइस तो हम कह सकते हैं जो भी मिल्क प्रोड्यूसर है सिंगल मिल्क प्रोड्यूसर इज अ प्राइस टेकर एंड ही इज पावरलेस टू इन्फ्लुएंस द प्राइस और इस इन द मार्केट ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स में क्या है देर इज फ्री एंट्री एंड एग्जेक्ट और साथ में देर इज मोर मोर मोरलेस परफेक्ट नॉलेज अब अगर कुछ इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करें हम कह सकते हैं कि मिल्क प्रोड्यूसर इज ऑपरेटिंग अंडर परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट जब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स ऑफ मिल्क की तो यहां पर मैंगराइज कर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स या देर आर लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स मैं कह सकता दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन लेकिन जब आप कमर्शियल कंज्यूमर्स ऑफ मिल्क की बात करोगे या कमर्शियल प्रोसेसर्स ऑफ मिल्क की बात करोगे कैटेगरी ऑफ इम्परफेक्ट कम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कम्पिटिशन में अगर हम कहें जी मिलक के रेफरेंस में के तो मैं कह सकता हूं देयर आर मैनील इन सर्विस टू प्रोड्यूसर्स देर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज टू दोड्यूसर्स ऑफ मिल्क और बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंसिएशन इन दर्विज टू द प्रोडूसर्स तो हम यहां पे कह सकते हैं कि द मिल्क इज अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनोपोनिटिक कंपटीशन साथ में इट माइट बी पॉसिबल जो भी आपके पास कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं दैट आर अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑलगोपनी किस किस सिचुएशन में हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल इन अ लिमिटेड लोकेलिटी देर आर फ्यू मिल्क कलेक्टर्स और एक आपके पास एंड पे सिचुएशन क्या होगी दैट इज द दोनोप्सनी वेन देर इज ओनली वन मिल्क मिल्क कलेक्टर इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। अब अगर मैं इसी चीज को एलेबरेट करूं विद रेफरेंस टू सप्लाई एंड डिमेंड और लेकिन यहाँ पे सप्लाई ऑफ डिमांड हम बात करें अबाउट और अनप्रोसेस्ड मिल्क मार्केट की मार्केट क्या है मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर इज सम समिमेंड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी हम यहां पर डिस्कस करेंगे डिमेंड एंड सप्लाई ऑफ रा जब आप सप्लाई वाले एंड पे जाओगे तो वहां पे क्या होगा देयर आर मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स हम कह सकते हैं देयर इज दे आर नियर टू परफेक्ट कम्पिटिशन एंड ऑल दोज मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स क्या जी जब मैं उन मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स के इंडिविजुअल लेवल पे बात करूंगा दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस हम कह सकते हैं दे आर प्राइस टेकर्स जब आप डिमांड वाली साइड पे जाते हो तो मैं यहाँ पे कुछ इस पैट में बात करता हूं इन द मार्केट देयर आर फ्यू कमर्शियल बायर्स ऑफ मिल्क तो जब वहां पे फ्यू कमर्शियल बायर्स ऑफ मिल्क होंगे तो हम कहेंगे दैट मार्केट स्ट्रक्चर इज ऑलिगोपनिस्ट द मार्केट इज ऑपरेटिंग अंडर ऑलिगोपनिस्टिक कॉम्पिटिशन ऑलिगोपनिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या था वेन देर आर फ्यू बायर्स इन द मार्केट जब एक मार्केट ऑपरेट करेगी एज अर्ली ऑप्शनिस्ट्स, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे जो आपके पास फर्म्स हैं या बायर्स दे आर प्राइस सेटर्स अब मैं एक सेकंड टीयर की मार्केट की बात करता हूं दैट इज द मार्केट फॉर प्रोसेस्ड मिल्क मार्केट हां जी इस मिल्क मार्केट में मिल्क को सप्लाई कौन करेगा दीज आर मिल्क प्रोसेसर्स सप्लाई मिल्क इन मार्केट और यहां पे क्या हो यूजली क्या होता है देयर आर फ्यू मिल्क प्रोसेसर इन द मार्केट देयर आर फ्यू मिल्क प्रोसेस मिल्क प्रोसेसर प्रोड्यूसर इन द मार्केट तो मैं कह सकता हूं यहां पे मिल्क प्रोसेसर आर वर्किंग अंडर द मार्केट ऑफ दिगोपली जब ओलीगोपली में ऑपरेट करता है अगेन क्या है फर्म्स आर प्राइस सेटर्स जब मिल्क प्रोसेस्ड मिल्क मार्केट की मैं बात करता हूं तो यहां पे जब आप डिमांड वाले एंड पे जाओगे तो इस प्रोसेस मिल्क की डिमांड कौन करेगा दीज आर द रिटेल चेन स्टोर अब मेरी एजम्सन क्या है कि इन द मार्केट देर आर फ्यू रिटेल चेन स्टोर क्या जी कुछ ही स्टोर हैं जिनके आप कह लें चेन एस्टेब्लिश हैं एंड दे आर कैरिंग आउट रिटेलिंग एट द कंज्यूमर लेवल जब वो रिटेल सबसे पहले यहां परचेज कौन करेगा इस प्रोसेस्ड मिल्क को इट इज परचेज बाई रिटेल चेन स्टोर्स और ये रिटेल चेन स्टोर्स क्या है नॉ दीज आर दीज आर दर आर फ्यू बायर्स ऑफ प्रोसेस्ड मिल्क और यहां पर जो आपके पास रिटेल चेन स्टोर है ये भी क्या है दीज आर ऑल्सो प्राइस सेटर्स अब मैं अगर बिल्कुल एक एंड वाली मार्केट पर चले जाऊं तो यहां पर क्या है कि सपोज मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं अबाउट रिटेल मिल्क मार्केट रिटेल मिल रिटेल प्रोसेस्ड मिल्क मार्केट में यहां पे बात कर रहा हूं सप्लाई यहां से कहां से आ रही है फ्रॉम रिटेल चेन स्टोर्स और मेरी जमशेद यहां पे क्या थी कि देर आर फ्यू रिटेल चेन स्टोर्स चलिए अगर हम यूं भी बात कर लें देर आर मैनी रिटेल चेन स्टोर बट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेस विद सम स्पेशल फीचर्स तो ये हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर द मार्केट ऑफ Are monopolistic competition. और यहां पे जो आपके पास रिटेल स्टोर और जब आप डिमांड वाले एंड पे जाओगे तो यहां पे जो मिल्क की डिमांड करेगा द मिल्क कंज्यूमर्स इन मार्केट देर आर लार्ज नंबर ऑफ मिल्क कंज्यूमर्स तो हम कहेंगे दो मिल्क कंज्यूमर्स आर अंडर द मार्केट ऑफ परफेक्ट कंपिटिशन और यहां पे जो आप मार्केट अ मार्केट ऑफ रेट परफेक्ट कंपटीशन देन बायर हैज नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस तो हम यहां पे कहेंगे कि जो भी वो बायर हैं दीज आर प्राइस टेकर्स कि हमने अगर मैं इस सारे को समराइज कर दू कि आपका रोल आपकी नेचर ऑफ मार्केट चेंज होगी अबाउट लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री विद द विद चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स अगर एक मार्केट में देर आर मैनी देर देर इज लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स तो हम कहेंगे दैट मार्केट इज अंडर परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट लेकिन किस साइड पे एट द बाइंग एंड लेकिन अगर मैं प्रोड्यूसर एंड पे चले जाऊं कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द लाइफ स्टॉक मार्केट तो हम क्या कहेंगे दैट लाइव स्टॉक मार्केट इज अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट लेकिन ये भी कंपेटिटिव मार्केट कौन से एंड पे है एट द साइड ऑफ सेलिंग अगर मार्केट में सिर्फ वन सेलर हो जाएगा देन हम कहेंगे दैट इज मोनोपनी अगर मार्केट में सिर्फ वन बायर हो जाएगा हम कहेंगे दैट इज मोनोपनी द मार्केट स्ट्रक्चर इन लाइव स्टॉक इंडस्ट्री चेंजेस वेन वी मूव फ्रॉम वन tie one type of the market to an other type of the market.